जो सुनवाई होनी थी जिसका तो उस पर क्या हुआ रिपोर्ट आती है? सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है इस मुकदमे के बाबत, जो विपक्षी अंजुमन इंतजामिया के लोग गए हैं वहाँ, जो प्रार्थना पत्र पेंडिंग है उसके चलते सुनवाई की तिथि यहाँ पर 23/5/2022 सोमवार को कर दी गई है। अंजुमन इंतजामिया के द्वारा जो है कोई आपत्ति पत्र भी दायर की गई आज? क्या उनकी आपत्ति? हमारे प्रार्थना पत्र जो सीलिंग के आसपास मलबे हटा करके स्पष्ट रिपोर्ट के बाबत जो प्रार्थना पत्र दी गई है उस पर उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति आ गई है। सर जो सुनवाई है अब कब होनी है? सोमवार को जो 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है उसमें क्या सर्वेक्षण जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर के, और जो सर्वे रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दाखिल हो गई है, माननीय न्यायालय उसका संज्ञान ले लिया है, उस पर आपत्ति आमंत्रित की गई है, मांगी गई है, जिसको आपत्ति दे तो आपत्ति पर जिसको हम लोग को काफ़ी प्राप्त होगा, पढ़ करके देखा जाएगा। पूर्व में एक जो अधिवक्ता कमिश्नर थे उन्होंने भी अपने दो पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है और आज विशाल सिंह ने भी रिपोर्ट सौंपी है, तो क्या ये दोनों रिपोर्टें जो है एक साथ होगी? ऐसा है कि दोनों रिपोर्ट एक साथ इसलिए पढ़ी जाएगी कि जो कमीशन की कार्रवाई 6 मई और 7 मई को की गई थी उसमें अजय कुमार मिश्रा अकेले किए थे अपने सहयोगी के साथ, और जो 3 दिन की कार्रवाई इधर हुई है इसमें विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह, अजय कुमार मिश्रा संयुक्त रूप से किए हैं, इसलिए संयुक्त रिपोर्ट पढ़ी ही जाएगी, वह एक अंग है रिपोर्ट का। ये तो विधिक रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं न्यायालय द्वारा? अरे सारी रिपोर्ट कर दी गई, उसका कोई टिप्पणी नहीं है।